कभी अपनी जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, कभी अपने जीवन में कितनी भी तकलीफ आ जाए, कभी अपने जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, शिव पुराण कहती है अपने दुखड़े को जगत में मत रोना, अपने दुखड़े को अपने पिता महादेव के चरणों में जाकर रोना। कितना ही दुख, कितनी भी तकलीफ आए, कितना भी कष्ट आए, कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, अगर जाकर कहना तो भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बोलोगे तो वो दुनिया के दुख मिटाने वाला एक दिन तुम्हारे भी दुख जरूर मिटाएगा। पर अभी कथा में कहा कि दो चीजें ध्यान रखना, जीवित रहने के लिए श्वास का होना जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। विश्वास है तो परमात्मा, मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। अब मानो तो मैं मां हूं, आप मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो आपके नजदीक में, आपके घर के पास में जो शिवालय है भगवान शंकर का, एक छोटा सा शिवलिंग है। मानो, अगर दिल से तुमने मान लिया कि यह केदारनाथ है, दिल से तुमने मान लिया कि महाकाल है, दिल से तुमने मान लिया कि भीमा शंकर है, दिल से तुमने मान लिया कि यह मल्लिकार्जुन है, दिल से तुमने मान लिया कि विश्वनाथ है, जिस दिन तुम्हारा मन पर जा, श्रावण के महीने में जब तुम दो लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, और दो लोटा जल तक तुम अपने हाथ में लेकर चढ़ाओगे, जिस दिन तुम्हारा चित्त में मन में आ जाए कि आज मैं विश्वनाथ नहीं गई हूं, मैं सावन के महीने में मैंने विश्वनाथ का दर्शन नहीं करा है, सावन के महीने में मैं काशी नहीं गई, सावन के महीने में मैं गंगा के घाट पर नहीं गई, जिस दिन सावन के महीने में तुम्हारे मन में आ जाए, दो लोटा जल लिया शंकर जी को चढ़ाते हुए, अपने मन में विचार कर लिया कि मेरे विश्वनाथ, मैं तुम्हारे दरवाजे तो नहीं आ सकी, पर मेरे जल में अगर बल होगा तो इस जल को आप वहां से यहां आकर स्वीकार कर लोगे। वो विश्वनाथ पूरे साल शिवजी को एक लोटा जल चढ़ा, सावन का पहला दिन लगे दो लोटा जल चालू कर दो, श्रावण के पूरे महीने दो लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, और अपने घर से जब जल लेकर जाओ तो ये विचार कर जाना, आज मैं शिव को काशी में, आज मैं शिव को केदार में, आज शिव को अमरनाथ में, आज शिव को भीमा शंकर में, आज शिव को मल्लिकार्जुन में। और फिर निवेदन करूंगा, जिस बहन को 19 और 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो तो कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर दो लोटा जल तुम्बकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा कर देखना, सावन के बाद में बाबा संतान जरूर देगा, झोली जरूर भरेगा। कहीं नहीं जाना, अपने नजदीक में, अपने घर के पास में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने चौराहे पर, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, जो शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, दो लोटा जल समर्पित करो। और फिर निवेदन करूंगा, जल से ज्यादा जरूरी है मेरे भोलेनाथ जी के मंदिर की सफाई करना। अब कीचड़ चालू हो जाएगा, पानी चालू हो जाएगा, सावन का महीना चालू हो जाएगा, अपने साथ एक कपड़ा लेकर जाओ, बाबा के मंदिर को पूरा साफ कर, बाबा के शिवलिंग का स्नान कर, बेलपत्र निर्माल्य जितना पड़ा है उसको उठा कर, कहीं विसर्जन के लिए किसी नदी तालाब बावड़ी में नहीं, किसी कुएं में नहीं, निर्माल्य तालाब में, नदियों में, बावड़ी में डालने के बाद वो निर्माल्य सड़ता रहता है, नदी नाले का पानी सूखता रहता है, उसमें कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, उस निर्माल्य को इकट्ठा करो, गाड़ी में भरो, किसी एक खड्डा खोदकर वहां दबाकर उसकी खाद तैयार करो, और बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसको डालते रहो। पर ध्यान रखना कि निर्माल्य हमें नदी तालाब बावड़ी कुएं में नहीं डालना, उसको एकत्र करना। शिव के मंदिर की जितनी सफाई कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना साफ कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना निर्मल कर सकते हो, उतना कर। अपने मन में एक भाव बना लो, जैसे भगवान विष्णु ने एक भाव बनाया था, सावन के महीने में 108
कमल के पुष्प शंकर जी को दूंगा। पार्वती जी ने भाव बनाया था श्रावण के महीने में शंकर जी को 2 लोटा जल समर्पित करूंगी। माता सती जो भगवान शंकर की अर्धांगनी रही उन्होंने भाव बनाया था मेरे देवाधिदेव महादेव को रिझाने के लिए मैं भगवान शंकर की 108 वृक्ष लता से स्नान कराऊंगी। ये अपने भीतर एक संकल्प अपने भीतर लेना है कि श्रावण के महीने में हमें शिव को कैसे रिझाना है। शंकर को आहूं असर होगा घर बैठे बुला लेंगे तुम रूठे रहो बोले हम तुम्हें काशी प्यारी है तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है एक बार तो आओ एक बार काशी भी बना देंगे तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है एक बार तो आज हो एक बार तो आया हो गंगा भी बोला असर होगा घर बैठे बुला लेंगे। मित्रों गुरुजी का ये उपाय अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।